इसे ये होना चाहिए शादी में, पता है, शादी के बाद. वेरी गुड, थैंक यू. अरे हॉट लड़की है, गर्मी तो होगी ना बाजू में. हाँ चलो, किसने कहा था हॉट लगने के लिए. चलिए अरे बहुत एक्साइटमेंट रहा है पूरी शादी को लेके, पिछले 2-2.5 महीनों से यही चल रहा है. और जब से रूबी का एक्साइटमेंट चालू हुआ, डेट फिक्स हुई, तब से हमारा भी चालू है. और आज फाइनल इवेंट है, रिसेप्शन है, और बॉम्बे के सारे फ्रेंड्स जो वहाँ नहीं आ पाए वो सब आए हैं. सो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब प्लानिंग चालू हो गई. अभी से रात को भी मिलेंगे ना, कहाँ जाना है अभी, कहाँ की टिकट बुक करनी है, वो सब चालू हो जाएगा. अभी ये लोग जाएंगे ना बाहर घूमने. लोग सारी टिप्स देवी जी ने दी हैं. नहीं, सारी हमारी जो शादी में, हमारी शादी कितनी सिंपल हुआ करती थी. 13 साल पहले धर्मशाला में शादी हुई थी. धर्मशाला मतलब धर्मशाला वो नहीं, लद्दाख वाली नहीं, मतलब एक छोटे खाने होटल में थी, छोटे शहर में शादी हुई थी हमारी. बट शादियाँ बड़ी सिंपल हुआ करती थी. पैसे तो भी कम खर्च होते थे. शादी से बहुत कुछ सीखा है. तो अब अगर और किसी को भी शादी करनी है तो वो आ सकते हैं. पूरा रूबी और मैं, उसने मुझे बहुत सिखाया और हमने साथ साथ बहुत कुछ सीखा. अब ये लोगों की शादियाँ करा सकती हैं आराम से, मतलब as you all know, I'm the location, location से लेके कपड़ों से लेके खाना क्या होना चाहिए, डेकोरेशन सब कुछ कर सकती हैं. अभी तो धंधा ही खोल लो एक दूसरा. हम तो गए थे यार, हम तो शिमला गए थे. हम नहीं जाएंगे तो कैसे शादी होगी. ऐसा सवाल पूछा. हम गए थे और हमने बहुत 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 मजा किया. वापस आने का मन नहीं कर रहा था, बस यहाँ पर रिसेप्शन था इसे आना पड़ गया. बट इट वाज ग्रेट फन. हम ब्राइड्स में तो पहले ही जाके जगह वगैरह सब देख के आ गए थे और उसके बाद शादी में गए और जो सब हमने सोचा था वहाँ पर वो सब होते हुए देखा. तो इट वॉज अ ब्रिलियंट एंड ऑसम एक्सपीरियंस. क्या मेमोरीज है जो शेयर करना चाहोगे? मेमोरीज ही मेमोरीज है. हम लोग अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए. इतना भी रीसेंट है ना, अभी तो कुछ दिन पहले लौट के आए. मतलब फ्रॉम अवर डॉटर हैविंग सो मच फन टू ऑल ऑफ अस, वो रातों को जागना और आप लोगों ने वायरल कर ही दिया है जो हमारा वीडियो, जो हमने संगीत में डांस किया, मेहनत करके इतना हमारे साथ फिर वो डांस तैयार किया और साथ में किया. तो ऑल दी लाइट चली गई बीच में, तो बहुत सारे मजे किए. और पता नहीं कहाँ से एक तो कोई तो आ गए थे संगीत में, उन्होंने शूट कर लिया था और अगले दिन हम सब देख रहे थे कि अरे ये कहाँ से, किस एंगल में शूट हुआ है. सो एवरीथिंग वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरी एंड रूबी वाज लुकिंग ऑसम. शी वाज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस. या शी वाज लुकिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीस्ट ब्राइड. सो अभिनव वाज लुकिंग सो गुड टू. सो हैंडसम है ही वो. और हम लोग भी काफी अच्छे लग रहे थे, तो बहुत मजा आया. बता दीजिए, अय्या ने खुद ने डिजाइन किया है और सुंदर लग रही है बहुत. और मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ, मतलब मैं देख ही लेता हूँ ठीक ठाक, क्योंकि काफी बिजी चल रहे थे तो मैंने फटाफट यहाँ शूटिंग के बीच में बहुत. तो शादियों का ही इतना अरेंजमेंट करने में ना मतलब दिक्कतें हैं. और मतलब कपड़े सिलेक्ट करना अपने लिए बहुत मुश्किल. कपड़े सिलेक्ट करना काफी. और मैं तो बहुत ही पिछवाड़े, मतलब बहुत ही पीछे आदमी हूँ कपड़ों के मामले में. जो मिल जाता है वो पहन लेता हूँ. हाँ, ऐसे तो कल रात को सडनली बोलता है मैं कल पहन के आ रहा हूँ. सो वी आर वन ऑफ दोस एंड यस्टरडे आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर. आई वुड लाइक टू थैंक देम टू गिव मी दिस फेस. सो थैंक यू. What did you speak to them?